करके दो जगह, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ फिर कर देना, फिर कर देना। सर आप 10-10 के नोट लोगे क्यों नहीं ये तो बता दो, कोई वैलिड रीजन तो हो ना। एक आधा पैकेट दो पैकेटों में भी कहीं निकाल दो, डिस्पोजल नहीं है भाई बिल्कुल भी, कहा तो रहा हूँ भाई जी। सर लेकिन बैंक डिनाय थोड़ी कर सकता है, मैं 10 के नोट लूंगा ही नहीं। आपके आगे चले ना चले मैं उस चीज से क्या लेने देना, मेरी तो इंडियन करेंसी है ना वो भी वैलिड, अगर मैं 500,000 के अभी भी लेकर आऊंगा वो भी आपको जमा करने ही पड़ेंगे। कर रहे हैं, ले आओ। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं 10 के लेकर आऊँ उसके भी आपको जमा करने पड़ेंगे। ले आओ भाई जी, ले आओ। आप मना कैसे कर सकते हो मेरे को कि मैं 10-10 के नोट लूंगा नहीं। एक चीज बता तो दी आपको, बार बार कैसे बताऊंगा सर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बार बार बताऊं कैसे, एक ही बार बता तो दिया। तो मना क्यों कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप इंडियन करेंसी को मना कैसे कर सकते हो कि मैं लूंगा नहीं, आपको लेने पड़ेंगे, मैं एक एक के सिक्के ले आऊं वो भी लेने पड़ेंगे। क्या आप अपनी ब्रांच में लेते नहीं हो? क्या बोला आपने? नहीं लेते। Are you sure about this thing? हाँ जी। अगर मैं इस चीज की जाके बैंकिंग एम्बर्समेंट में जाता हूँ यू नो आपका क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे, आपको सू भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। हाँ ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे, दो इंक्रीमेंट कट जाएंगे, दे देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। बल्कि फिर भी आप कैश नहीं डिपोजिट करोगे? देखो दो चीजें हैं, या ट्रांसफर हो जाएगी चले जाएंगे हैप्पीली, दूसरा क्या, दो इंक्रीमेंट काट लेंगे, कोई बात नहीं काट लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों चीजों। पहले कितने कटे हैं? कोई बात नहीं, दो और कट जाएंगे क्या। कितने पैकेट जमा करने हैं आपको? 20 पैकेट है भैया। तो उसके ऊपर 5 पैकेट के ऊपर चार्ज लगता है, 10 रुपए पर पैकेट दे दो चार्ज, मिसलेनियस इनकम में चार्ज तो छुटवाने हैं जी, बैंक के चार्ज लगते हैं वो। ऐसा कोई चार्जेस नहीं है भैया, भैया है RBI रूल है ये भैया, आप ऑनलाइन चेक कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन चेक करना बात कस्टमर बात कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि आप ऑनलाइन चेक करो, RBI के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ऐसा कोई अभी तक रूल नहीं है। मेरे भाभी खुद बैंक में है, तो वहाँ अपने भाभी के बैंक में करवा दो बेटा, कोई बात नहीं सर, यू विल गेट अ आंसर फॉर इट। सेंड कर रहे हैं नहीं, बार कोड इस पर मतलब दे रहे हैं, क्या वहाँ हम पूछे हैं तो हैं। बोले आज नहीं होगा तो बार कोड नहीं लगेगा, बजे तक उनका ड्यूटी है। क्या बोलते हैं? बजे तक वो उसके बाद देते हैं, उसके बाद कैश में चले जाते हैं। 4 बजे तक बैंक खुला रहता है, बैंक पूरी हुई 4 बजे तक रहता है, सब काम 4 बजे तक नहीं होता है, आपको कैश लेना है 4 बजे तक पेमेंट होगा, आपको लेना है तो जाइए लाइन में लग जाइए। डेली डेली का दौर बैठिए, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा मेरे पास, अभी तो आया हूँ साथ, तो भी वो देख रहा हूँ। पासबुक भी मिल जाएगी, अभी अकाउंट नंबर मिलेगा, पहले बनेगा ना, पहले खुलते जाए पहले। जो लोन का है उसको भी नहीं खा सकते ना, 1 महीने बाद करते हैं जमा ना करें तो
कर जो बैठे कोने में क्या नाम डी एच आर यू बी क्या हुआ नहीं ना चेक मैडम है हेलो हेलो हाँ जी सर रानी बोल रही हूँ आईसीआईसी बैंक से। हाँ जी बताएं। हाँ अच्छा वो तो साइट पे भी है आप हमारी एसएससी साइट पे जाओगे ना वहाँ भी है फोटो क्लिक कर लिए मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ क्योंकि मेल जा नहीं पा रही है मेरी बाहर मैंने ना वो साइट पे जो मेंशन है ना उसकी फोटो क्लिक कर लिए वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रही हूँ ठीक है व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आएगा मेल कर देते तो अच्छा तो आप सर साइट ओपन करो ना हमारा आईसीआईसी बैंक का उस पे सारा मेंशन है आईसीआईसी बैंक की जो हमारी आईसीआईसी बैंक की जो साइड है ना मैं आपको मैसेज कर दे रही हूँ आप उससे ओपन करोगे ना फॉर दी अकाउंट ओपनिंग उससे मेंशन्ड है विदाउट आधार वी नॉट ओपन दी सेविंग बैंक अकाउंट करके मैंने आरबीआई का सर्कुलर भेज रहे थे ना वो दीजिए ना सर देखो ऐसा कुछ हमारे पास मेरी ऐसे हम भेज रहे बाहर जा नहीं रही है मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ आप हमारी साइड ओपन करोगे ना आईसीआईसी की उसमें दिख जाएगा चलिए भेजिए मैं देखता हूँ साइट का नाम www.icicibank.com साइट का है वो आरबीआई का सर्कुलर है ना उसमें साइट पे सब मेंशन है एक बार देख तो लो मेरी बात नहीं समझ रहे मैं देखने के पहले ये पूछता हूँ उसमें जो आप सर्कुलर की बात कर रहे थे आरबीआई की गाइडलाइंस वो उसमें अपलोड की हुई है ना सर देखो आरबीआई गाइडलाइन का तो मुझे पता नहीं जो हमारे बैंक की साइट पे जो दिया है मैं आपको वही बता रही हूँ मैंने तो कल आपसे कहा था कि आप मुझे नोटिफिकेशन कॉपी दीजिए आपने कहा था कि आरबीआई कोर्ट में हम थोड़ी ना बैठे जब हम आपको नोटिफिकेशन कॉपी देंगे हम तो हमारे जो रूल साइट क्या है मैं वही बताऊंगी ना आपने कहा आरबीआई की गाइडलाइंस हैं तो मैंने कहा था कि उसकी नोटिफिकेशन कॉपी दे दीजिए आपने कहा था हमारी साइट पे आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा सारा कुछ हमें तो यही मिल जाती है ना कि विदाउट आधार वी कांट ओपन दी अकाउंट नहीं तो ये तो आईसीआईसीआई कह रहे हैं ना आरबीआई तो नहीं कह रहा हर बैंक में कह रहे हैं हर बैंक में रूल है आप किसी भी बैंक में पता कर लो पहले नहीं था ये अब इन्होंने रूल दिया है मैम आपके पास उस रूल की नोटिफिकेशन की कॉपी तो आई होगी हमारे पास सर कोई नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है ये हमें हमारे पास बस मेल आती है वो आप हमारी साइट खोलोगे तो आपको दिख जाएगा आप मुझे वो मेल फॉरवर्ड कर दीजिए तो मेल ही तो नहीं जा रही है ना सर बाहर में वही तो आपसे कह रही हूँ तभी तो आपको साइट पे चेक करने के लिए कह रही हूँ आप हमारी साइट पे भी जाके गूगल में चेक कर सकते हो आईसीआईसी बैंक के हमें आपका आधार नंबर लेके क्या मिलने वाला है वो तो आपके अकाउंट में ही अपडेट होना है ना रानी जी या तो मेरी बात आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे दो में से एक ही बात है आपने मुझसे कहा कि नोटिफिकेशन की कॉपी आरबीआई की है मैंने कहा भेज दीजिए आज आपने कहा हमारे पास नोटिफिकेशन कॉपी नहीं है मेल आई है मैंने कहा मेल भेज दीजिए आपने कहा मेल नहीं जा रही है वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने लिख रखा है वो चेक कर लीजिए सर हम तो साइट पे हमारे आरबीआई का गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन या रूल्स की कॉपी कहाँ है एक मिनट रुक जाइए आप रुक आरबीआई का ऐसा कुछ है क्या हमारे पास नहीं है तो हमें तो मेंशन हो है ना हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं आरबीआई का आप लोगों से क्यों मान आपको अगर नहीं ओपन कराना है तो कोई बात नहीं आप मत कराइए आप दूसरे बैंक पे जाके करा लीजिए अब हमारा जो रूल है उसको तो हम तोड़ नहीं सकते ना नहीं तो आप अब मैं आपको आप बोल दूँ कि हाँ सर आपका अकाउंट खुल जाएगा और कल से आप आधार ना डाले आपका अकाउंट ना खुले तो क्या फायदा फिर मैडम मुझे एक बार बताइए ना कि आप फिर पब्लिक का कोई भी डॉक्यूमेंट अनलॉफुली क्यों मांग रहे हैं मैं यही तो सर आपको अगर विश्वास नहीं है ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं आप मत खुलवाइए बोल रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि आप आधार नोटिफिकेशन की कॉपी दीजिए ना
हमारे पास ऐसी कोई कॉपी है ही नहीं ना, तो मैं कहाँ से दूँ आपको? मैं कोर्ट में तो हूँ नहीं कि मैं आपको कोर्ट से ट्राइज करके या प्रिंट करके दे दूंगी। सर क्यों डाल रहे हो उस चीज के लिए, मुझे आप ये बताइए। सर पब्लिक की मर्जी, खुलवाना है या नहीं खुलवाना है, हमारे जो रूल है हम रूल के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना। अगर विदाउट आधार हम अकाउंट नहीं खोल सकते तो फिर मैं कैसे आपको बोल दूँ हम खोल सकते हैं करके? रूल की कोई कॉपी तो होगी, कोई नोटिफिकेशन? हम कोर्ट में नहीं बैठे हैं कि हमारे पास कोई रूल की कॉपी होगी ना। आप कैसे बोल रहे जैसे कि मैं कोर्ट में बैठी हूँ? मैम ये बात कोर्ट हाजी हो गई है, मतलब मैं वही तो आपको कह रही हूँ, ट्रस्ट की बात है। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप साइट से चेक कर सकते हो। अब आपको साइट पे भी विश्वास नहीं है तो फिर मैं तो यही कहूँगी फिर आप मत खुलवाइए अकाउंट। कल आप मुझे नोटिफिकेशन की कॉपी दे रहे थे। मैं आपको कोई नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं दे रही थी, मैं आपको ये कह रही थी कि हमारे मेल पर आया है कि हम बिना आधार के अकाउंट नहीं खोल सकते। वो हमारे इंटरनल भी मेल होते हैं ना, वो हम तो ना कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। कस्टमर से डॉक्यूमेंट आप कस्टमर साइट पे देखो, कस्टमर साइट पे जाके सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। अब आपको नहीं चेक करना तो वो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। मेरी कॉल रिकॉर्डिंग के बेस पे मैं FIR दर्ज करवा रहा हूँ। आपकी मर्जी सर। हाँ जी।